कानपुर देहात केस में मंत्री ने दिया नया बयान, पुराने बयान से पलटी मंत्री महिला कल्याण, प्रतिभा शुक्ला की जबान बदलने के पीछे क्या कारण। और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा विकार है तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते हैं द्रवित हो जाएगा, पहले वो निकालने की कोशिश करेगा बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील है और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सुना आपने, ये बयान घटना के तत्काल बाद का है, जब क्षेत्रीय विधायक और सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला घटना स्थल पर पहुंची थी। मंत्री ने पूरे मामले में दुख जाहिर करते हुए लापरवाही समेत मां बेटी की मौत पर खुद को असहाय बताया था, डीएम समेत तमाम अधिकारियों की लापरवाही बताई थी, लेकिन चार दिन बीतने के बाद बयान बदल गया है। मामला धीरे धीरे दूसरे एंगल पर ले जाया जा रहा है, जिसका इशारा पहले ही प्रतिभा शुक्ला के पति ने कर दिया था। अब तो खुद मंत्री ने कह दिया है कि यह मामला हत्या का नहीं बल्कि हादसा का है, क्योंकि झोपड़ी में रखा जनरेटर पलट गया था जिसके बाद ये आग बढ़ गई थी। दूसरा ये भी जान लीजिए, दोनों महिलाएं मरी हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। ये मर्डर नहीं था, ये एक घटना थी, घटना में ऐसा कुछ हो गया कि दोनों मर गई। कारण जब उस पर छप्पर हटाने का प्रयास किया गया तो छप्पर वहीं गिर गया, उनके पास जनरेटर रखा हुआ था जो वहां पर लुढ़क गया। वहां हमने सीन पर देखा दोनों लुढ़का हुआ पड़ा है, जिससे आग बहुत तेजी पकड़ ली और फिर उनको कोई बचाने की स्थिति में नहीं रहा। वहां का पुलिस अधिकारी गया था अंदर बचाने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि वह बचा नहीं पाया, खुद जान बचाकर बाहर आ गया। यही एक सत्य घटना थी। अब इसको कहानी कुछ भी दी जा सकती है, हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे दिन भी हम क्या मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित सहायता राशि देने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये कहा। सुना आपने, कानपुर देहात कांड में रोज नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, नए एंगल परोसे जा रहे हैं। घटना वाली रात में जिस योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था, तमाम आरोप लगाए थे, डीएम पर लापरवाही और मां बेटी की मौत के नए आयाम अब देने में लग गई है। इतना ही नहीं, इससे पहले उनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने कहा था कि औरतों के भीतर तो आग लगाने की प्रवृत्ति होती है। महिलाओं के अंदर तो टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाओं के अंदर टेंडेंसी होती है। पोस्टमार्टम में विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ था आपसे? हाँ, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। हमने ये कहा ना, महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो आग जल्दी लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं, तो उसका भी कोई मरने का इरादा नहीं था, वो चाहती थी कि ये हम करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। कानपुर की घटना के बाद एक तरफ जहां परिवार बर्बाद हो गया है, वहीं नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे। ये सिर्फ बयानों तक अब सीमित नहीं, हाव भाव और एक्शन में भी दिख रहा है। प्रतिभा शुक्ला की नजदीकी सहयोगी कृष्णा गौतम ने मैं हूं ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी पर चप्पल से हमला कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जमकर हंगामा भी हुआ था। और अब ये उनके बयान लगातार इस पूरे मामले में नए पेच और नई कहानियां गढ़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।